तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। अभी आप लोगों के पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं व्याकरण के, ग्रामर के, कि अगर उसे आप देख भी लेते हैं तो भी आप व्याकरण के सारे मार्क कवर कर सकते हैं। व्याकरण के सारे मार्क अगर आपको कवर करने, तो अगर आप देखेंगे तो आपको 10वीं के अभी के पेपर में जो व्याकरण आने वाला है 2024 मार्च का जो आपका पेपर है, उसमें आपको जो व्याकरण आने वाला है, उस व्याकरण में आप लोग देखोगे कि आपको दिया गया है। और जो व्याकरण आपको आने वाला है उसमें आप लोगों के जितने टॉपिक है, उन टॉपिक में से कुछ टॉपिक भी अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो भी बच्चों आपको अच्छे नंबर मिलेंगे व्याकरण के। बच्चों का यही होता है कि जब वो व्याकरण लिखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आता है उन्हें व्याकरण, तब वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर लिखते नहीं है। बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर आपने अपने क्लासेस के या आपके स्कूल के सारे लेक्चर अटेंड किए हैं और थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया है ना बच्चा, तो आप आराम से व्याकरण विभाग जो है वो पूरा कर सकते हैं। व्याकरण कोई बड़ी बात नहीं है, आपने व्याकरण बचपन में देखा है, सुना है, किया है, यही है कि उस समय आपको उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब आप 10वीं में आ गए हैं तो आपको व्याकरण की समझ है। जिसमें आपका आपके सामने एक चार्ट दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा पैनल पे, शब्द के भेद, और इससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द का मतलब क्या होता है। बराबर है कि नहीं? और शब्द बनता कैसे और शब्द के कितने प्रकार है, तो पहले मैं आपको शब्द का भेद बता देता हूं डायग्राम के माध्यम से, तो आपको फटाफट फटाफट समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि अगर पेपर में पूछा जाएगा मुझे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक का शब्द भेद बताइए, या फिर अव्यय बताइए, या विकारी बताइए, या सव्य बताइए, बराबर है कि नहीं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन उत्तर लिखने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आपके पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी। अगर आपने उसे पढ़ाई नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं है, है कि नहीं? जैसे कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है या गाना गाना है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रियाज, प्रैक्टिस, है कि नहीं? तभी जाकर हम मैदान में अच्छे से अपना जो प्रदर्शन है कर सकते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में बैठना है और आप पेपर देने वाले हैं और आपकी तैयारी नहीं भी है, तो अगर आप पेपर से बोलते ना 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी आप 80 में से 60-65 मार्क का पेपर कवर करके आओगे, लेकिन वो 2 दिन आपको आपके विषय में एकाग्र होना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। आज हम देखेंगे ग्रामर, व्याकरण हिंदी का, जिसमें हम लोग देखने वाले शब्द क्या। अब शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, शब्द का मतलब होता है जब अनेक वर्ण, क्या, जैसे व्यंजन और स्वर मिलकर वर्ण तैयार होता है, और स्वर्ण का जब अच्छे तरीके से उसको रखा जाता है या लिखा जाता है तो वो होता है शब्द। शब्द जैसे कि अगर हम देखते हैं कमल, दिखाई दे रहा है आपको, इसका अर्थ है क्या है, कमल, ये सब वर्णों से मिलकर एक शब्द बना। बराबर है, सारे इसमें व्यंजन और स्वर हैं, इससे मिलकर क्या बना, वर्ण, उस वर्ण का, उस बोलते ना शब्द का कोई अर्थ है। कमल, कमल ये किसी का नाम हो सकता है, कमल ये किसी का घर का नाम हो सकता है, किसी सोसाइटी का नाम हो सकता है कि नहीं? हाँ, फूल का नाम है ना, बहुत सारी चीजें, तो इसका कोई मतलब है कि नहीं? वैसे ही अगर मैं लिखूं मलन, इसका कोई अर्थ है क्या? जब जिसका किस कोई अर्थ नहीं होता वो क्या होता है बेटा, शब्द नहीं होता। जिस वर्णों के मेल से हमें अर्थ मिलता है, नाम वगैरह पता चलता है, उसे हम कहते हैं शब्द। बराबर है, शब्द बनते किससे हैं, स्वर और व्यंजन के मेल से, वर्ण, उस वर्ण को जब हम पढ़ते हैं और उसके अंदर का अर्थ हमें समझ में आता है तब क्या होता है, वो शब्द होता है। क्या होता है, शब्द। और शब्द भी हम कब अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जब हमें किसी से व्यवहार करना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है या पढ़ना होता है, तब हम शब्दों का उपयोग करते हैं। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो शब्द ही है, पर वो शब्दों के कुछ अर्थ हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएंगे तो आप मुझे प्रति उत्तर नहीं करेंगे, शब्द समझ में आ रहे इसीलिए तो आप मुझे उत्तर दे रहे हैं। तो
तो जिन शब्दों का अर्थ होता है, जिससे समाज में व्यवहार चलता है, वो होते हैं शब्द। क्या होते हैं वो? शब्द। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए कि शब्द, अब शब्द के दो प्रकार हैं, कितने? दो प्रकार हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं? दो। अब पहला प्रकार कौन सा है? विकारी शब्द और उनके प्रकार। विकारी शब्द और उनके प्रकार पहला। दूसरा है अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द और उनके प्रकार। अव्यय पहचानना या प्रयोग करना, या आपको पेपर में प्रयोग भी करना है और पहचानना भी है, और इसमें भी आपको क्या करना है? पहचानना भी है और प्रयोग भी करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे आपको दोनों के लिए प्रश्न बोर्ड के पेपर में आते हैं। बराबर है बेटा? तो ये दो प्रकार हो गए, विकारी शब्द और उनके प्रकार। विकारी शब्द और उनके प्रकार। अविकारी, जिन्हें अव्यय कहा जाता है, शब्द और उनके प्रकार, और वो हमें पहचानने भी है पेपर में। अब ध्यान दीजिए, विकारी का मतलब क्या होता है और अविकारी का मतलब क्या होता है। विकारी का मतलब होता है जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। किस किस वजह से बदलाव होता होगा बेटा? लिंग, वचन और पुरुष। समझ में आया? लिंग, वचन, पुरुष, इनकी वजह से जब इसमें बदलाव होता है, कारक की वजह से उसमें बदलाव होता है, तो वो हो जाते हैं विकारी। क्या? विकारी। विकारी में अब कैसा होता है? लड़का, लड़की, लड़कियों, बदलाव हुआ। लड़का, लड़की, लड़कियों, बदलाव हुआ। अविकारी में बदलाव ये जैसे का वैसा ही रहता है, इस सेंटेंस के वाक्य में बदलाव, लेकिन बदलाव किसमें होता है? विकारी में। किसमें? विकारी शब्दों में। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सव्य। क्या कहा जाता है? सव्य। अब यहां पर ध्यान दीजिए, विकारी शब्द और उनके प्रकार तो हम देखेंगे ही, अविकारी और उनके प्रकार और उनको पहचानने का नियम तो हम देखेंगे ही, लेकिन विकारी शब्दों को परिवर्तन होने के बाद, इसीलिए तो उसके चार प्रकार है, यहां पर भी चार प्रकार है और यहां पर भी चार प्रकार है। ये चार प्रकार हमको पढ़ने हैं और उनके मेन मेन जो उप प्रकार है वो भी हमें देखने है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विकारी शब्द और उसके प्रकार। अब विकारी हम देखेंगे, पहले क्या देखेंगे? विकारी देखेंगे जिसमें परिवर्तन, लड़के, लड़का, लड़की, लड़कियों, परिवर्तन हुआ। लड़का स्त्रीलिंग, सॉरी, लड़की स्त्रीलिंग और लड़का पुल्लिंग, और लड़कियां क्या हो गया? बहुवचन। वचन के बदल से बदलाव हुआ कि नहीं? किन किन चीजों से बदलाव हुआ? लिंग, वचन, पुरुष के वजह से बदलाव हुआ। बराबर है? साथ में कारक से भी बदलाव होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम पहला विकारी में देखेंगे, सव्य में देखेंगे संज्ञा। क्या? उसके बाद दूसरा है सर्वनाम। क्या? तीसरा है विशेषण। क्या? और चौथा है क्रिया। क्या? और ये सब हमने अपने 8th-9th में अभ्यास किया है, लेकिन जब बोर्ड का पेपर होता है तब हम बहुत सी दुविधा में होते हैं कि कैसे प्रश्न को पूरा किया जाए, क्योंकि हमें समझ में, हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न चलते हैं, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि विकारी मतलब क्या, अविकारी मतलब क्या। तो बच्चों सिंपल है, विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके बारे में पढ़ना है, और अविकारी में पढ़ना है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्च बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये आपको क्या करना है? अविकारी में पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं अव्यय। क्या? अव्यय में हमें ये चार पढ़ने हैं और सव्य में हमें ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ना है। बराबर है? अब संज्ञा में हमें क्या क्या पढ़ना है? संज्ञा में हमें पढ़ना है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये हमें कितने पढ़ने हैं? पांच। संज्ञा के कितने प्रकार है बेटा? पांच प्रकार है। क्या है? और संज्ञा का मतलब होता है नाम, क्योंकि सृष्टि में जो भी चीज सृष्टि रचयिता ने रची है उसे अभ्यास के तौर पर या उसके रंग रूप आकार गुण और धर्म के अनुसार नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। बराबर है? जिस क्लास में हम बैठे हैं उसे क्या कहा गया है? कमरा। क्या? बराबर है? जिस कमरे में ये बिल्डिंग है उसे कहा गया है इमारत। क्या? जहां से हम प्रवेश करते उसे कहा गया है दरवाजा। कहा गया है कि नहीं?
शरीर पर जब हम कोई आभूषण पहनते तो उन्हें अलग अलग नाम दिए गए कि नहीं। नाक में पहनते इसलिए उसे नथुनी कहा है, कान में कहते इसलिए उसको बाली कहा है, उंगली में पहनते इसलिए उसे अंगूठी कहा, पैर में पहनते इसलिए उसे पायल कहा है, गले में पहनते इसलिए उसे चैन या हार कहा है। बराबर है कि नहीं। हर एक चीज को उसके रंग रूप आकार से क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो नाम जो है वो प्राणी का भी हो सकता है, जगह का भी हो सकता है, किसी अवस्था का भी हो सकता है कि नहीं। इसीलिए उसके प्रकार बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, प्रकार बनाए गए हैं, उसके उप प्रकार बनाए गए हैं संज्ञा के, समझ में आया। उसके बाद आता है हमारा सर्वनाम, क्या क्या आता है, सर्वनाम। अब सर्वनाम में क्या है, आपको जब संज्ञा का इस्तेमाल हम नहीं करते या संज्ञा की जगह जिन सर्वनामों का उपयोग हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जैसे कि तीन तरह के सर्वनाम होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वनाम में पहला जो होता है पुरुषवाचक, क्या, तीन तरह के पुरुष होते हैं। सर अब तीन तरह के पुरुष कैसे होते हैं, तो तीन तरह के पुरुष कैसे होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, दूसरा होता है मध्यम पुरुष जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, और हम दोनों जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है अन्य पुरुष। कौन, अन्य। समझ में आया, पुरुष में कितने हो गए, तीन। कौन कौन सा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला। अब बोलने वाला क्या यूज करता है, मैं, मेरा, मुझे, हम, तू, तेरा, तुझे, तुम्हें, और हम दोनों जिसको बोलेंगे वह, वे, उसे, उन्हें। बराबर है, ये तीन किसमें यूज होता है, पुरुषवाचक में, किसमें, समझ में आया। ये पुरुषवाचक के तीन प्रकार है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ऐसे हमें कितने पढ़ने बेटा, छह पढ़ने, कितने, छह उप प्रकार है सर्वनाम के, किसके, सर्वनाम के उप प्रकार कितने हैं, छह जो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आता है विशेषण, क्या, विशेषण में क्या होता है, हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, अवस्था हो, सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, कुछ ना कुछ हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। तो उस विशेषता को जब बताया जाता है, जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम के अंदर छुपी खासियत को जब हम शब्दों से बयां करते हैं, तब बच्चा क्या कहलाता है, वो विशेषण, क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, क्या कहलाता है। अब विशेषण में भी हम लोगों को कितने प्रकार पढ़ने हैं, पढ़ने हैं हमें चार प्रकार, कितने, चार। पहला वाला है गुणवाचक, क्या, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई खोटा होता है कि नहीं, बहुत सारे क्या है, गुण है कि नहीं। तो वो गुणवाचक में आ गए, बराबर है। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक, क्या, परिमाण में मतलब क्या होता है बेटा, परिमाण में होता है लीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, समझ में आया। जैसे कि हम जिन पदार्थों को गिन नहीं सकते, जिन्हें हमें मापना पड़ता है या तौलना पड़ता है, उन्हें आते हैं परिमाण में, किसमें, परिमाण में। अब निश्चित और अनिश्चित होता है, उसमें क्या होता है, निश्चित अनिश्चित होता है। उसके बाद आता है संख्यावाचक, क्या, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 20, 25, 50, 2, 3, 4, 1,000, 10,000, है कि नहीं। उसमें भी क्या होता है, निश्चित अनिश्चित, जब हमको संख्या पता है तो निश्चित, जब हमें संख्या नहीं पता तो वो अनिश्चित, समझ में। उसके बाद आता है सार्वनामिक, क्या, जब हम बोलते समय सर्वनामों का उपयोग, सर्वनाम मतलब कौन कौन सा, मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, वह, उसे, उन्हें, बराबर है। जब हम ऐसा कुछ यूज करते बताते समय उसकी विशेषता बताते हैं तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण, क्या, सार्वनामिक विशेषण, बराबर है। अब उसके बाद हम आते हैं क्रिया, क्या, क्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है बेटा, हम सवेरे उठते हैं, आज आप सवेरे यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो जब आप सवेरे अपने बिस्तर से उठे होंगे तो पहले आपने उठने की क्रिया की, उसके बाद आप शौच को गए होंगे, बराबर है कि नहीं। उसके बाद आपने ब्रश किया होगा, नहाया होगा, कुछ नाश्ता चाय पानी किया होगा, कुछ भी नहीं किया, पानी वानी तो पिया होगा ना,
पानी भी नहीं पिया, वेरी गुड बेटा, मतलब पढ़ाई के प्रति आपके मन में कितनी लालसा है, कितनी आप पढ़ाई के लिए तड़प रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। जो लोग खा के आए हैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको उनकी तारीफ करना तो हमें जरूरी लगता है। तो जो क्रिया हम सवेरे से लेकर बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर पर सोने तक जो जो क्रियाएं करते हैं, उठना बैठना भागना दौड़ना आना जाना यहां वहां आज कल धीरे धीरे जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आगे पीछे मेरा तेरा, ये सब क्या है बेटा? क्रियाएं हैं जो हम सवेरे से लेकर रात को सोने तक करते हैं, करते हैं कि नहीं? तो वो क्रिया है। अब उस क्रियाओं में भी कुछ ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं सकर्मक और कुछ होती है अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कर्ता, क्या कर्ता जब कोई काम करता है और उसका परिणाम क्रिया पर होता है, बराबर है, कर्ता का परिणाम क्रिया पर होता है तो वो सकर्मक, कर्ता का परिणाम क्रिया का खाली क्रिया पर होता है तो वो अकर्मक, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। उसके बाद होता है संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, और प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक मतलब जिससे हमें, हम एक काम खुद करते हैं, एक किसी से और किसी को करने के लिए कहते हैं, बराबर है, वो होती है प्रेरणार्थक। प्रथम हमें मालूम होता है, मूल हमें मालूम होता है, हमें प्रथम और द्वितीय करना पड़ता है, बनाना जैसे। उसके बाद आता है सहायक, सहायक मतलब जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सपोर्ट करने वाला, है कि नहीं? सेंटेंस के एंड में होता है, वो वाक्य के अंत में होता है, और वही ढूंढकर हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया, कि वो किस प्रकार, और बिना सहायक क्रिया के कोई भी वाक्य कंप्लीट नहीं। सहायक क्रिया होगी तो ही पूरा सेंटेंस पूर्ण, पूरा वाक्य समाप्त और उसका अर्थ हमें पता चलेगा। तो ये है सहायक क्रिया। मतलब हम लोग विकारी शब्द में, सव्य में आज जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उदाहरण के साथ हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी दो का या एक का शब्द का भेद बताइए, शब्द के भेद बताइए, अंडरलाइन किया होगा तो आपको वही बताना है। अगर नाम के नीचे अंडरलाइन है तो आपको संज्ञा ही बताना है, उसके उप प्रकार आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खाली संज्ञा लिखते हैं तो भी आपको पेपर में नंबर मिलेगा। आपको अंडरलाइन दिया होगा सर्वनाम के नीचे तो आपको सर्वनाम ही लिखना, जिस वाक्य के नीचे अंडरलाइन किया होगा या जो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्या दिया है वो अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही आप उसको लिखोगे, जल्दबाजी करनी नहीं है, समझ गए? जल्दबाजी का काम शैतान का है, गलत हो जाता है तो हमें वो काम नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें क्या प्रश्न पूछा है उस हिसाब से हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे जो हमें दिया गया है वो, इसका हमने बनाया हुआ है वो देखेंगे हम, यहां पे ध्यान दीजिए। हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिए, शब्द के भेद हमने देखे, शब्द का भेद हमको पता चला, मैंने चार्ट में आपको बताया, इसे हम क्या कहते हैं, विकारी, क्या? विकारी। और वो दूसरा जो था वो क्या है, अविकारी, जिसे अव्यय बोलते हैं। अब शब्द के भेद, शब्दों का पहले हम लोग शब्दों की परिभाषा देखेंगे, क्या देखेंगे? सार्थक अक्षरों को, सार्थक मतलब जो एक साथ अक्षर होते हैं, अक्षर मतलब अ आ ई क म ल, है कि नहीं? हाँ, देखिए सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अक्षरों को, सार्थक मतलब एक साथ, उसका कोई अर्थ, सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ, सार्थक अक्षरों को या सार्थक अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। कभी एक ध्वनि से, कभी एक से अधिक ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं, कभी एक ध्वनि से, कभी अनेक ध्वनियों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपको क्या दिया गया है, शब्द के दो भेद, कितने भेद, जो मैंने आपको बताया क्या है शब्द के दो भेद, विकारी शब्द जिसे हम कहते हैं सव्य, और अविकारी शब्द जिसे हम कहते हैं अव्यय। इसमें हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्या क्या पढ़ना है, क्रिया, बराबर है। अव्यय में हमें क्या पढ़ना है, अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय,
समुच्च बोध काव्य विस्मय आदि बोध काव्य, ऐसे हमें इसमें भी चार पढ़ने और लेकिन अब इसमें सर फर्क क्या है, तो फर्क मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन या बदलाव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें हाँ, अब देखिएगा दिया गया लड़का पुरुष पुलिंग, लड़की और लड़कियां, बदला कि नहीं, लेकिन अव्यय में ऐसा देखो दिया गया संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया में लिंग वचन पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं। ये सेंटेंस ये वाक्य वैसे के इसमें परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता है इसलिए कहते हैं विकारी, क्या विकारी। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो है अविकारी। समझ में आया यहां तक? कोई समस्या? आगे चले, आगे देखिएगा। अब हमें विकारी के प्रकार देखने हैं। अब हम देखते हैं पहला प्रकार, हमने यहां पर देखा विकारी शब्द के चार भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अब उसमें का हम लोग पहला देखेंगे संज्ञा। क्या संज्ञा? का मतलब होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, प्राणी का, अवस्था का क्या पता चलता है? नाम। क्या पता चलता है? नाम पता चलता है। देखिएगा संज्ञा मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम इसे? नाउन। क्या? देखिएगा जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव का नाम सूचित करता है, क्या करता है? उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इसमें क्या क्या पता चलता है हमें? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जात का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम या किसी भाव, फीलिंग्स पता चलती है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? आगे देखिएगा। अब हम यहां पर उदाहरण दिया, देखिए संज्ञा का पहला उदाहरण दिया गंगा यह पवित्र नदी है, और अंडरलाइन दो जगह किया गया है, किस किस के नीचे किया गया है बेटा? गंगा और नदी। गंगा एक नदी का नाम भी है, औरत का भी नाम हो सकता है या किसी संस्था का भी नाम हो सकता, और नदी तो नाम है ही, किसका? बहते हुए जो पानी बहता है, जो बड़ा सा एक नदी की तरह होता है उसे हम क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? संज्ञा है, बराबर है। उसके बाद दूसरा देखा है ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है, क्या है? ज्ञानेश्वर व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है कि नहीं? पुस्तक क्या है? नाम है। तो ऐसे ही आपको पेपर में पूछा जाएगा और आपको उसका प्रकार संज्ञा लिखोगे तो भी आपको मार्क, और अगर संज्ञा के साथ आप आगे लिखते हो ये कौन सा प्रकार है, इसमें क्या पता चला? गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक। नदी क्या है? जातिवाचक। नदी जात है ना। इधर क्या है? ज्ञानेश्वर क्या है? व्यक्तिवाचक। पुस्तक जातिवाचक। समझ में आया? समझ रहा है आपको? ऐसे अगर आप लिखते तो एग्जामिनर और खुश हो जाते कि बच्चे को संज्ञा के साथ उसके उप प्रकार का भी गहरा अभ्यास, उसे पता। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? आगे देखिएगा। अब हम देखेंगे संज्ञा के कितने प्रकार? पांच प्रकार। कितने प्रकार? संज्ञा के पांच भेद। कितने भेद? उप प्रकार संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे हमें संज्ञा के कितने प्रकार पढ़ने बेटा? पांच प्रकार पढ़ने। कितने? अब पांच प्रकार अगर हम पढ़ रहे हैं या पांच प्रकार हमें देखने हैं, तो पहला हम देखेंगे व्यक्तिवाचक। क्या? अब व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य के अंदर किसी व्यक्ति को या किसी बोलते ना खुद के चीजों को या अंदर की बातों को बताया जाता है वो एक ही होता है। क्या होता है? उस एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति की अवस्था के बारे, तो वो होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक में क्या होता है? प्रॉपर हमें उसकी क्या पता चलती है? जात पता चलती है। जैसे कि अब मुझे बताइए पेड़, ये क्या हो गया? जातिवाचक। लेकिन आम का पेड़ व्यक्तिवाचक, क्योंकि पेड़ का हमें क्या पता चला? नाम पता चला। जब हमें उस
वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या उस स्थान या उस भाव का नाम पता चलता है, क्या पता चलता है, नाम पता चलता है, तो वो क्या होता है बेटा, व्यक्तिवाचक। लेकिन खाली हमें उसका नाम पता है, उसका खाली धर्म पता है या उसकी जात पता है, तो वो क्या होता है, जातिवाचक। क्या होता है बेटा, जातिवाचक। जैसे कि अभी व्यक्तिवाचक में मैं बोलता हूं कि हिंदी की पुस्तक कल लाना है, तो क्या हुआ वो, क्योंकि पुस्तक का, खाली में बोला होता कि मुझे पुस्तक लानी है तो आपको मालूम, क्योंकि पुस्तक क्या है, जात है, समझ में आया। और हिंदी की पुस्तक क्या है, व्यक्ति, उसका नाम मिल गया ना हमें। जैसे कि प्राणी क्या है, प्राणी क्या है, जातिवाचक। लेकिन अगर मैं बोलूं शेर जंगल का राजा है, क्योंकि हमें उस प्राणी का, अगर मैं बोलूं पक्षी क्या, तो पक्षी में बोलता हूं तो किस में आ गया, अगर मैं बोलूं मोर जंगल में रहता है या मोर जंगल में नाचता है, क्योंकि मुझे पक्षी का, अगर मैं बोलूं शहर लेकिन बोलूं अंबरनाथ क्योंकि मैंने शहर का, मैं बोलूं देश बराबर लेकिन बोलूं भारत देश, समझ में आया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का फर्क समझ में आया। कोई प्रॉब्लम है, जब हमें उधर नाम पता है तो हम व्यक्तिवाचक, नाम नहीं पता है खाली जात, धर्म पता है तो जातिवाचक, समझ में आया। उसके बाद आता है भाव, क्या आता है, भाव जो इंसान के अंदर होता है, पदार्थों के अंदर भी, हर एक चीज के अंदर क्या होता है, भाव होता है। सबके अंदर कोई ना कोई फीलिंग्स, कुछ दिखती है, कुछ महसूस होती है और कुछ किसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं, बराबर है, बराबर। भाव का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जिसे हम देख, छू, खाली महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खाली महसूस करते हैं, वो होता है भाव। जैसे कि बूढ़ा को देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापे को नहीं, उसे हम महसूस करते, बूढ़े व्यक्ति को हम देख सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति को छू सकते हैं लेकिन बुढ़ापा महसूस होता है। बच्चे को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं लेकिन बचपन महसूस होगा ना। जवान को हम देख सकते हैं लेकिन जवानी को महसूस होता है ना, कि जवानी को हम देखते हैं नहीं ना, जवान को देखते हैं लेकिन जवानी हमें आएगी तब महसूस होती है ना, है कि नहीं। लड़के को हम देख सकते हैं लेकिन लड़कपन को महसूस, देख नहीं सकते, उसको महसूस करना है। मीठा हम देख सकते हैं, मिठाई, लेकिन मिठास जब हम जबान पर उसको खाएंगे या टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। नमक को हम देख सकते हैं लेकिन नमकीन, बराबर है कि नहीं, समझ में आया। तो जिस चीजों को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जिसे हम देखकर कुछ हमें महसूस होता है या उसका वो चीज हमें अंदर से प्रतीक होती है कि नहीं, तो वो होता है क्या, भाववाचक। भाववाचक में भी बहुत सारी बातें होती है, मतलब बहुत सारे उसके भाव हमें पता होते हैं। आगे आता है द्रव्यवाचक, क्या क्या आता है। अब द्रव्यवाचक में क्या होता है बेटा, द्रव्य मतलब जिसे हम किसी तापमान पर ले जाए, कोई कठोर चीज, कोई कड़क चीज, और वो उस तापमान के बाद तरल हो जाए, द्रव्य बन जाए, लिक्विड हो जाए, पिघल जाए, तो वो क्या होता है, द्रव्यवाचक। क्या, अब द्रव्यवाचक में क्या आता है, सोना, चांदी आता है कि नहीं, लोहा, तांबा, पीतल, गेहूं, चावल, शक्कर है कि नहीं, नमक पिघलता है ना, कागज पिघलता है कि नहीं, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पानी के साथ क्या हो जाती है, घुल जाती है, तापमान मिलने पर पिघल जाती है, बर्फ हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कौन सा है, द्रव्यवाचक। क्या, गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, नमक है कि नहीं, ये सब किसमें आता है बेटा, द्रव्यवाचक में, किसमें, क्योंकि इन्हें एक तापमान मिलने के बाद ये कठोर अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित, इसीलिए इसे कहा जाता है द्रव्य। क्या, द्रव्यवाचक। क्या, अभी द्रव्यवाचक हो गया, उसमें आपको दिया होगा और अंडरलाइन किया होगा, आपको वही बताना है कि नहीं। अगर आप संज्ञा के साथ आगे लिख देते द्रव्यवाचक संज्ञा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने संज्ञा भी लिखा तो भी
चलेगा आपको नंबर, उसके बाद आता है समूहवाचक। क्या? अब समूहवाचक का मतलब होता है जैसे कि एक व्यक्ति होता है, जैसे कि कूल, कूल मतलब एक, लेकिन जब मैं बोलता हूं पुष्पगुच्छ तो उसमें पुष्पों का क्या है, बहुत सारे पुष्प है, वो पूरा का पूरा गुच्छा है। अंगूर एक, लेकिन अंगूर का, क्योंकि उसमें कई सारे अंगूर है। चाबी एक, लेकिन चाबी का छल्ला, अनेक चाबियां है उसके अंदर। ताश एक, लेकिन ताश की गड्डी, बराबर है। चिल्लर बहुत सारे होते हैं, बंडल बहुत सारा होता है, बराबर है कि नहीं। भीड़ पौच है कि नहीं। पार्टी, पार्टी में एक आदमी होता है, आपकी बर्थडे पार्टी में आप अकेले मनाते हो, सब आते ना। परिवार, परिवार में पांच लोग, तीन लोग, दस लोग, बीस लोग, पच्चीस लोग, पचास लोग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा परिवार बनाने वाले हैं, है कि नहीं। हाँ, वो अपने ऊपर डिपेंड है, दो चार दस बीस, लेकिन नॉर्मल तो तीन चार लोग तो परिवार में होते हैं। समझ में आया? जहां पर हमें समूह दिखाई देता है कि नहीं, वो होता है समूहवाचक। क्या समझ में आ रहा है? सेना, फौज, भीड़ है कि नहीं, गर्दी है कि नहीं, गड्डी, बंडल, चिल्लर, गुच्छा, छल्ला, गुच्छ, समझ में आया आपको? ये सब किस में आता है बेटा? समूहवाचक में। किस में? जिससे आपको पता चलेगा, पेपर में भी आपको ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं, क्या दिया हुआ है? रामू यह गठरी देखना। अब इसमें मुझे बताइए, अगर हम अंडरलाइन करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम अंडरलाइन करते हैं किसके नीचे? रामू के नीचे, तो रामू क्या है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहां पर व्यक्ति का नाम दिया गया है। अगर मैं गठरी करूं, इसमें आ गया गठरी समूहवाचक। क्या समझ गए? उसके बाद अगर मैं फिर यहां पर हिंदी को अंडरलाइन करता हूं, सेकंड, हमने हिंदी में बातचीत की है, क्या आया वो? क्योंकि क्या हुआ इसमें, हमें क्या पता चला? नाम पता चला। हिंदी एक नाम है, समझ में आया? तो ये दो उदाहरण आपके किसके हैं? व्यक्तिवाचक के। किसके? उसके बाद आपको तीसरा दिया गया, नौकर बाहर गया है, नौकर के नीचे अंडरलाइन है अगर, तो क्या होगा? क्योंकि नौकर क्या है? डॉक्टर क्या है? वकील क्या है? इंजीनियर क्या है? विद्यार्थी क्या है? अगर मैं बोलू शिक्षक तो क्या है? जिससे हमें उसके जात का पता चले वो होता है नौकर। क्या है? अगर मैं बोलूं पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, क्या? और पक्षी के नीचे अंडरलाइन करूं और पूछूं तो क्या बोलोगे आप? क्योंकि मुझे एक पूरे समुदाय का पता चला, मतलब पक्षी क्या है? एक जात है, उसमें किसी का नाम नहीं। अगर मैं यही नाम बोलता कि पक्षियों में मोर उड़ रहे हैं, पक्षियों में कौवे उड़ रहे हैं, पक्षियों में बगुले उड़ रहे हैं, पक्षियों में तोते उड़ रहे हैं, तो आपको क्या पता चलता? क्योंकि वहां पर उस जात का नाम हमें पता चल रहा है, उस वस्तु का, व्यक्ति का, प्राणी का, पक्षी का, अवस्था का क्या पता चल रहा है बेटा? नाम पता चल रहा है। जब हमें नाम पता चलता है तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। और नाम नहीं पता है तो? अभी यहां पर ध्यान दीजिए, पांचवा आपके सामने दिया गया, भगत जी को क्रोध आ गया, और मैं क्रोध के नीचे अंडरलाइन करूं तो क्या होगा? क्योंकि क्रोध क्या है? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, महसूस होता है, होता है ना? ये हमें क्या होता है? आता है, दिखाई ये क्रोध अपने आप, इसलिए ये क्या है? भाववाचक। क्या? जो हमें महसूस हो वो होता है। आगे देखिएगा, तू अभिमान करना छोड़ दे। अगर मैं अभिमान के नीचे अंडरलाइन करूं बच्चा तो क्या होगा? क्योंकि अभिमान दिखाई, अभिमान महसूस होता है कि नहीं। ये हमारे अंदर की फीलिंग्स है, समझ में आ रहा है? जब हमें फीलिंग्स होती है तो वो किसमें आता है बेटा? भाववाचक में। किसमें?
उसके बाद आपका सातवां क्रमांक क्या दिया गया है, उसमें उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला। और अगर मैं कागज के नीचे अंडरलाइन करूं, क्योंकि कागज को जलाने के बाद राख और राख को पानी में डाल दो तो वो, या कागज को भी पानी में डाल दो तो वो घुल जाता है कि नहीं, जो घुल जाता है या तापमान में पिघल वो होता है द्रव्यवाचक। क्या? अब यहां पर सोने से आभूषण बनते हैं, अगर मैं सोने के नीचे अंडरलाइन करूं द्रव्यवाचक, क्योंकि सोने को चीजें बनाने के लिए आपको सोने के बिस्किट जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक तापमान पर उसे लिक्विड बनाया जाता है, मतलब पिघाला जाता है, और उसके बाद आपके सुंदर आभूषण बनते हैं, है कि नहीं। तो जो कठोर से तरल हो जाता है वो क्या होता है बेटा, द्रव्यवाचक। क्या? कठोर से जो तरल हो जाता है वो द्रव्यवाचक, बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं आभूषण के नीचे अंडरलाइन करूं तो क्या होगा बेटा ये, हा समझ में आया, पक्का, कोई डाउट? आगे देखेगा, बोलिए कुछ पूछना है नहीं। यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया, और मैं अगर परिवार के नीचे अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति अनेक होते, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन होते ना, परिवार में कम से कम पांच जन होते ही होते, छोटा परिवार भी है तो दादा दादी मम्मी पापा भाई और छह लोगों का छोटा परिवार होता ही, समझ गए। तो यहां पर हमें समूह दिखाई दे रहा है, जहां हमें समूह दिखाई देता है, जहां हमें अनेक संख्या या अनेक लोग एक साथ दिखते हैं, तब वो क्या होता है बेटा, समूहवाचक। क्या होता है? आगे देखिएगा, आगे का प्रश्न हमें दिया गया है, डाकघर में बड़ी भीड़ थी, और अगर मैं भीड़ के नीचे अंडरलाइन करूं, क्योंकि भीड़ मतलब एक दो लोग, वहां पर बहुत सारी तादाद में लोग हैं, एक से अनेक लोग हैं, इसीलिए उसे क्या नाम दिया है, भीड़ दिया। और अगर मैं डाकघर के नीचे अंडरलाइन करूं, क्योंकि मुझे उस जगह का नाम पता है, समझ में आया। तो इस चीजों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप आराम से एक एक चीज भी ध्यान से देखते हैं तो आप आराम से व्याकरण का ये जो प्रसंग है, ये जो प्रश्न है, कौन सा संज्ञा का, नाम का, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, समझ में आया। जिसमें हमने पांच देखे, संज्ञा पढ़ी हमने, क्या पढ़ी, संज्ञा पढ़ी हमने, अब संज्ञा में हमने क्या पढ़ा बेटा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये पांच पढ़े, और उसके हमने उदाहरण भी, समझ में आया, कोई दुविधा है? आगे देखिएगा, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर टू, कितने पर, प्रश्न क्रमांक दो, हमारा टॉपिक टू, सर्वनाम। क्या? जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। क्या? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये समझना हमें बहुत। अब प्रोनाउन की परिभाषा हम देखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का काम करता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि बार बार हम संज्ञा का उपयोग, क्योंकि वो बड़ा विचित्र लगता है कि नहीं, बार बार हम उसे उस संज्ञा का, इसलिए संज्ञा की जगह हम क्या करते हैं, सर्वनाम का उपयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण मैंने दिया है, ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है, ज्ञान बाबू बड़े उद्धार है, बार बार नाम लेना अच्छा। तो हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं, ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है वे बड़े ही, तो क्या किया मैंने, सेकंड बार क्या किया, सर्वनाम का इस्तेमाल, जिसकी वजह से सेंटेंस में एक नया रूप धारण किया, अच्छा लगा, है कि नहीं, एक
अच्छी, पढ़ने में भी और बोलने में भी और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बार बार हम ऐसा बोलते हैं क्या, राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम सोता है, राम स्कूल जाता है, राम मम्मी से बात करता है, ऐसा बार बार बोलते हैं, राम स्कूल जाता है, वो वहां अच्छी पढ़ाई करता है, उसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बोलते हैं ना बार बार हम किसी के नाम का उपयोग। जब हम नाम का उपयोग नहीं करते तब हम बच्चा किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम का, किसका, समझ में आया। अब यहां पर हमें देखना है, अब सर्वनाम में भी हमें प्रकार पढ़ने हैं, क्या पढ़ने, प्रकार पढ़ने हैं। अब कौन से प्रकार पढ़ने, आगे देखिए दिया गया है, अब हम प्रकार पढ़ेंगे क्या, प्रकार सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, छह प्रकार है, सिक्स टाइप्स है इसके, कौन कौन से टाइप्स है, पहला है, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठवा निजवाचक, ऐसे हमें छह प्रकार सर्वनाम में पढ़ने। लेकिन अब सबसे पहले कि सर्वनाम में जो पुरुषवाचक है वो क्या है, तो उसमें पुरुषवाचक मतलब कितने प्रकार के पुरुष होते, व्यवहार करने के लिए कितने प्रकार के पुरुष, देखिएगा पहला पुरुषवाचक में कौन है, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, ऐसे हमें पुरुषवाचक में कितने पढ़ने हैं, तीन पढ़ने हैं, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, और उत्तम और मध्यम जिसके बारे में बात वो होता है अन्य पुरुष, कौन, समझ में आया सर, पुरुषवाचक समझा, पक्का, कोई दुविधा, कोई आपत्ति, आगे चलें, आगे देखिएगा। उसके बाद आता है निश्चयवाचक, क्या, जिसमें हमें निश्चितता के साथ पता है, डेफिनेटली पता है कि ये वस्तु, ये जगह, ये जो भी है वो किसी का है, किसी का है। यह मार्कर आरती क्लास का है, या यह मार्कर क्लास का है, तो यह मार्कर, बराबर है, समझ में आया, समझा कि वो वस्तु के बारे में हमें प्रॉपर पता है कि वो किसी की निश्चित है, हम समझ गए पक्का। उसके बाद आता है अनिश्चित, जिसमें हमें पता, कुछ लोग दरवाजे के पीछे खड़े हैं, कुछ लोग, कोई तो आया, कुछ तो गिरा, हमें मालूम, तो वो किसमें आता है, अनिश्चयवाचक, किसमें, जिसमें हमें वस्तु के बारे में पता होता है वो निश्चित वाचक, जिसमें वस्तु के बारे में पता नहीं है, समझ में आ, समझे क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुविधा, आपत्ति, आगे देखिएगा। उसके बाद आता है संबंधवाचक, क्या आता है, जब हमें सेंटेंस के अंदर किसी का संबंध पता चलता, रिश्ता पता, उसके जुड़ाव को हम दिखाते हैं वाक्य के अंदर, तो वो होता है क्या, संबंधवाचक, क्या होता है। अब संबंधवाचक में क्या होता है, राम का घर श्याम के घर के पास है, मैं मंदिर के पीछे रहता हूं, मेरे सामने के घर में अशोक है, के सामने, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बगल में, के द्वारा, के लिए, जब आता है तो क्या होता है, संबंधवाचक, क्या होता है, क्या होता है बच्चा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, क्या, प्रश्नवाचक में क्या होता है, सेंटेंस के एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या होता है, क्या होता है, इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसमें क्या होता है, कौन, कब, कहां, क्यों, कोई, सॉरी कोई नहीं, ये सब होता है, क्या होता है, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका होता है ना, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक में होता है, किसमें, उसके बाद आता है निजवाचक, क्या, निजवाचक, जब हम अपने बारे में कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं स्वतः सब कुछ कर लूंगा, आप ही आप करने में मजा आता है, आप ही आप मतलब मैं खुद सब काम कर लेता
जब हम आप अपने खुद स्वतः मैं नहीं, मैं किसमें आता है? उत्तम पुरुष। किसमें आता है बेटा? मैं उत्तम पुरुष में आता है। आप मतलब निज, निजवाचक में आप खुद मैं नहीं आएगा, स्वतः क्या? स्वयं, स्वतः, स्वयं, खुद, आप, अपने, अपने आप करूंगा। समझ में आया? ये जब आएगा क्या क्या आएगा यहां पर? बराबर है। और खुद अपने आप, बराबर है। ये जब सब चीजें आएंगी तो क्या होगा? वो निजवाचक। क्या? निजवाचक में हम खुद के लिए कोई वाक्य कहते या कोई काम। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई प्रॉब्लम? कोई समस्या? आगे देखिएगा, सर्वनाम के हमने 6 प्रकार देख लिए। क्या देखे हमने? सर्वनाम के 6 प्रकार देखे। अब उसके उदाहरण आपको दिए। पहला उदाहरण मैंने जो 1, 2, 3 दिए है वो किसके दिए मालूम है आपको? हाँ, पुरुषवाचक के। किसके? पुरुषवाचक। देखिएगा, मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए। यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन है? मैंने। तो मैंने कहा मैंने, मेरा, मुझे, किसमें आता है? देखो मैंने लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है? मैंने दोनों पत्र फाड़कर फेंक दिए और अंडरलाइन मैंने है। तो मैंने मतलब कौन? बोलने वाला। तो उत्तम पुरुष होता है वो बोलने वाला, उसमें क्या क्या आता है? मैं, मेरा, मुझे, उत्तम पुरुष। समझ में आया? पक्का? उसके बाद दूसरा है, तुम ठीक कहते हो। क्या? मैं किसी के साथ बोल रहा हूं तो मतलब वो अन्य पुरुष। कौन? समझ में आया? नहीं, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब हम दोनों, जब अब हमें जिससे बोल रहा हूं वो कौन है? मध्यम पुरुष। देखिएगा, तुम ठीक कहते हो, तुम के नीचे अंडरलाइन है इसलिए क्या है? देखिएगा, तुम, तू, तुम, तुम्हारा, ये किसमें आता है? मध्यम पुरुष में। किसमें? मध्यम पुरुष। उसके बाद आता है तीसरा, उसे अस्पताल ले चलो। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, किसी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या दिया है? किसके नीचे अंडरलाइन है? उसे। किसके नीचे? उसे अस्पताल ले चलो। उसे, उसे, उन्होंने, वे, किसमें आता है? याद रखिएगा, पुरुषवाचक में 3 चीजें याद रखनी है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष में क्या है? तुम, तू, तू, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में उसे, उन्होंने, वे, वह आता है। समझ गए? उसके बाद आता है हमारा क्या? निश्चयवाचक। क्या आता है? निश्चय। अब यहां पर निश्चयवाचक में क्या दिया गया है? यह मेरा घर है। मतलब कि हमको पूरी तरह मालूम है यह घर। इसके नीचे अंडरलाइन है। समझ गए? उसके बाद देखो, कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्या करना है। कुछ करो क्या? अनिश्चय में क्या आता है? कोई, कई, बराबर है? कई, कई, कुछ। समझ गए? कोई, कई, कुछ। किसमें आता है? अनिश्चयवाचक में। किसमें? अनिश्चयवाचक में। किसमें? उसके बाद देखिएगा, अब हमारे ये 2 उदाहरण हो गए अनिश्चय के, अब हम निश्चयवाचक के। अनिश्चयवाचक में हम देखेंगे अगला, नहीं अगला हम लोग कौन सा देखने वाले? निज संबंध। क्या? संबंध। जब हमें पहले का दूसरे वाक्य के साथ क्या पता चलेगा? संबंध। क्या? देखिएगा, जैसा देश वैसा भेष, संबंध पता चला? जैसा वैसा, जो सो जब तब, जो तो जो उसे, अगर सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर आया है, पहला वाक्य दूसरे के बारे में बता रहा है और दूसरा पहले से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या है? संबंधवाचक। देखो दिया गया, जैसा देश वैसा भेष, इसके नीचे अंडरलाइन किया है? जैसा वैसा,
जो सो जो वह अगर आया हुआ है वाक्य के अंदर तो क्या है वो। उसके बाद दिया गया है दूसरा वाला, देखिएगा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आगे का कि तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम्हारे पास क्या है, तो क्या होगा यहां पर प्रश्नवाचक, क्या वाक्य के अंदर, वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्न चिन्ह है और पूछा गया है कौन, किससे, कब, कहां, क्यों, ऐसे प्रश्न अगर आए हैं तो क्या होगा बेटा प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं और हमें पूछा गया है कोई प्रश्न जिसका उत्तर हमें चाहिए, क्या चाहिए, तो और उसे वाक्य के अंत में क्या दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या होता है बेटा कौन सा, आगे देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, आगे देखिएगा अपने, अपना, आप, स्वयं, स्वतः, किसमें आता है निजवाचक में, क्या क्या आता है अपना, आप, स्वयं, स्वतः, खुद, अगर सेंटेंस के अंदर है खुद का काम खुद करो, अपना काम अपने आप करो, स्वयं करना ही अच्छा, ऐसा कुछ आया हुआ है सेंटेंस में तो आप लिखोगे क्या निजवाचक सर्वनाम, समझ गए पक्का। यहां पर हमने सर्वनाम के कितने प्रकार देखे बेटा, छह प्रकार देखे, पहले पुरुषवाचक, क्या देखा उसमें हमने तीन देखे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष देखा, उसके बाद हमने निजवाचक देखा, बराबर है, जिसमें हमें किसी वस्तु निश्चयवाचक, सॉरी क्या देखा, उसके बाद हमने अनिश्चयवाचक देखा, क्या देखा संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक देखा, उसके बाद निजवाचक, ऐसे हमने सर्वनाम के छह भेद छह प्रकारों को पढ़ा, समझ में आया पक्का, कोई दुविधा, कोई आपत्ति, कोई समस्या, कर लोगे पेपर में लिख लोगे ये प्रश्न आएगा तो, आगे देखिएगा। अब हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक नंबर तीन पर, चला आगे चले, देखिएगा विशेषण, क्या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या एग्जेक्टिव, क्या एग्जेक्टिव, बराबर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, आपको मालूम है विशेषण मतलब हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई सुंदरता होती है, कोई ना कोई बात छुपी होती है, वही विशेषण होता है, क्या होता है वही विशेषण। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे विशेषण में क्या होता है, विशेषण की हम परिभाषा देखते हैं, किसकी परिभाषा, विशेषण की परिभाषा देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह जिसका इस्तेमाल, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिएगा जैसे उदाहरण मैंने दिया है, सुदन एक गरीब लड़का था, क्या था गरीब, तो गरीब क्या है विशेषता है ना, कि सुदन कैसा लड़का है। दूसरा शिवाजी वीर पुरुष थे, क्या थे शिवाजी महाराज, क्या थे वीर। उसके बाद जगन तुम इतने उदास क्यों हो, उदास बराबर है, उदास क्या है उसके अंदर का भाव है लेकिन उसकी विशेषता है ना। देखिए दिया गया है पहले वाले में गरीब, दूसरे वाले में वीर, तीसरे वाले में उदास, तो ये क्या है विशेषण है, क्या है समझ में आया। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, वही हमें सेंटेंस में पढ़ना है और हमें लिखना है। आगे देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे विशेषण के भी क्या है, चार प्रकार है, कितने प्रकार है विशेषण के, चार प्रकार है, पहला कौन सा है, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा और चौथा, विशेषण के भी हमने चार प्रकार पढ़ने हैं, और पहला प्रकार हमारा कौन सा है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक
विशेषण। अब हम देखेंगे कि विशेषण में गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अब गुणवाचक विशेषण में किसी वस्तु का, मतलब किसी के व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी चीज का जब हम कोई गुण बताते हैं, उसकी विशेषता गुण देते हैं उसके अंदर का, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, खट्टा, मीठा, काला, गोरा, नीला, पीला, ऐसा हम बताते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है? गुणवाचक। उसके अंदर के गुण है, बेईमान, अच्छा, ईमानदार, सच्चा, नेक, है कि नहीं। ये सब क्या है? गुण है। क्या है? जब हम किसी सर्वनाम और संज्ञा का क्या विशेषता को बताते हैं, उनके गुणों को बताते हैं, तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक। कौन सा विशेषण? समझ में आया। उसके बाद आता है संख्यावाचक। क्या? जिसमें हमें संख्या पता होती है। क्या पता होती है? जैसे मैं चार रोटी खाता तो मुझे रोटी खाने की संख्या बराबर, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें भी दो है, निश्चित अनिश्चित। मैं कुछ रोटी खाता हूं, कुछ रोटी अब मुझे मालूम नहीं है, बराबर है। दस लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, थोड़ा लोग आए हैं, ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि हमें संख्या, जब हमें संख्या पता नहीं होती तो क्या होता है? अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण, बराबर है। समझ में आया? संख्या के विशेषता क्या है? वो अनिश्चित। और जब हमें संख्या पता है तो वो वैसे ही परिमाणवाचक में है। किसमें? परिमाण में हम लोग क्या करते हैं? लीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर बोलते हैं ना। जैसे कि जिन चीजों को हम गिन जिन चीजों को हम क्या करते, खाली तौलते हैं या नापते हैं, वो क्या होता है? परिमाणवाचक। क्या? जैसे कि मैं बोलूं 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या हो गया? 5 मीटर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा कपड़ा दीजिए, 5 किलो चावल दीजिए, थोड़ा चावल दीजिए, ज्यादा चावल दीजिए, कम चावल दीजिए, समझ में आया? ये क्या है? परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध दीजिए, बहुत दूध दीजिए, मैं 5 लीटर दूध पीता हूं, मैं थोड़ा दूध नहीं, समझ में आया? तो क्या हुआ? ये परिमाणवाचक। क्या समझ रहा है? जिसमें हमें परिमाण का पता चलता है वो होता है निश्चित, जिसमें परिमाण का पता वो है। उसके बाद आता है सार्वनामिक। क्या? सार्वनामिक में क्या होता है? मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, वे, वह, उन्हें, उसे, जब सेंटेंस के अंदर 3 पुरुषों का उपयोग होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य, और उनकी विशेषता बताई 3 पुरुषों की, किसकी? 3 पुरुष कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम है ना ये। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, तू, तेरा, वह, उसे, उसका आया। क्या है ये? सार्वनामिक। क्या? ऐसे विशेषण के कितने प्रकार हैं? कितने? तो ये 4 प्रकार आपको पूछे जाएंगे। अगर आपने विशेषण लिखा तो भी, और अगर आपने विशेषण के उपप्रकार भी तो भी, समझना बहुत, ग्रामर कुछ भी कठिन नहीं। बस आपने अगर ध्यान पूर्वक पढ़ा है, सुना है, तो आप आराम से व्याकरण विभाग कंप्लीट कर सकते। समझ में आ रहा है? आगे चलिए, आगे हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण दिया गया है, कोयल का स्वर मीठा है, तो कोयल की आवाज कैसी है? मीठा। क्या है दूसरा? दिया गया अशोक के विचार मतलब बहुत महान है, तो क्या है वो? अशोक की क्या है? गुण है ना। समझ में आया? और अगर कोयल के नीचे अंडरलाइन होता, व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमें पक्षी का। अगर स्वर के नीचे होता, जातिवाचक,
भाव स्वर भाववाचक क्या स्वर भाववाचक है ना सर। उसके बाद अशोक के नीचे होता तो विचार भाववाचक। तीसरा देखिएगा वहां कई लोग खड़े थे लेकिन कौन सा संख्यावाचक क्योंकि कितने लोग खड़े हैं मालूम कई मतलब दस भी बीस भी सौ भी और हजार भी संख्या का पता इसलिए ये संख्यावाचक है लेकिन कौन सा दूसरा दिया गया है उसने दस दस के चार नोट दिए नोटों की संख्या पता चल रही है ना कि दस दस के नोट है लेकिन कितने हमें संख्या का इसीलिए ये कौन सा है समझ में आया। उसके बाद दिया गया है पांचवा प्रकार पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्य उपजता है समझ गए तो क्या है कौन सा अनिश्चित क्योंकि क्या है अधिक अधिक मतलब मालूम अनाज कितना दो गोनी चार गोनी दस गोनी कितने क्विंटल आ रहा है मालूम पर अनाज अधिक है। दूसरा आगे देखिएगा सिक्स नंबर क्या दिया है एक बंगला तीन की डाक बंगला तीन किलोमीटर दूर है तो हमें यहां पर क्या पता चला किलोमीटर पता चला ना कि वो बंगले की दूरी तीन किलोमीटर मीटर लीटर ग्राम किलो जब आएगा तो क्या होगा परिणाम कौन सा निश्चित परिणाम वाचक क्या क्योंकि हमें उसके परिणाम का निश्चय पता है समझ गए कोई डाउट है पक्का आगे देखिएगा दिया है वह लड़का अच्छा है क्या है वह आ गया ना शुरू में उस लड़के की विशेषता को बताया है ना तो ये सार्वनामिक है ना मैंने कहा ना वह वे उन्हें उसे क्या आएगा अगर है और उसके नीचे अंडरलाइन किया गया तो क्या होगा वो सार्वनामिक क्या अब ये यहां अगर बोलता अच्छा तो क्या लड़का लड़का नाम नहीं है ना बेटा लड़का मतलब है कि नहीं आगे देखेगा उसके बाद दिया गया पत्थर उस लड़के ने उठाया था उस पता चल रहा है ना पत्थर उठाने वाला कौन है उस तो पत्थर उस लड़के ने उठाया था तो मैंने कहा ना उस वह ऐसा कुछ होगा अंडरलाइन होगा तो आप क्या लिखोगे विशेषण में कौन सा सार्वनामिक विशेषण अगर पत्थर के नीचे होता तो पत्थर जाते ना ईटा सीमेंट समझ गए और अगर लड़के क्या होता समझ गए तो ये इस प्रकार है आपको आपके पेपर में जब प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा तब आपको उसके नीचे अंडरलाइन दिया होगा और अगर नहीं भी दिया है तो जो पहले होगा उसी का प्रकार आपको बताना है जल्दबाजी करनी समझ में आया पक्का कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई आपत्ति। अब हम चलेंगे शब्द के भेद के चौथे प्रकार पर क्या नाम है उसका क्रिया। अब जो है हम देख रहे हैं चौथा प्रकार कौन सा प्रकार चौथा प्रकार जो है क्रिया क्या इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है वर्ब क्या जो हम सवेरे से लेकर रात तक शरीर की जो हालचाल करते हैं जो लेन देन करते हैं जो व्यवहार करते हैं वो होता है कौन सा क्रिया क्या अब देखिएगा जिन शब्दों से किसी के काम का जिन शब्दों से किसी के काम का करना या होना क्या सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं कहते हैं कि नहीं जिससे हमें कोई काम हो रहा है इसकी पता चले या जानकारी मिले तो हम उसे क्या कहते हैं क्रिया। अब देखिएगा जैसे कि उदाहरण दिया गया है आपके पैनल पे आपको दिखाई दे रहा है क्या भगत जी भक्तों को जमा कर रहे हैं मतलब कि भगत द्वारा भक्तों को क्या किया जा रहा है जमा किया जा रहा है मतलब कोई तो क्रिया और हमेशा क्रिया जो है वो आखिरी में आती है क्या आती है
एंड शब्द के सेंटेंस के वाक्य के अंत में आती है, किसमें? वह मेरा पत्थर लेकर भाग रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? क्रिया हो रही है, समझ में आया? क्रिया मतलब किसी तो भी दिया ना यहां पर, जिन शब्दों से किसी के काम करने की, कुछ तो काम कर रहा है, कुछ तो क्रिया हो पता चल रहा है, मतलब वो क्या है बेटा? क्रिया। क्या? क्रिया। क्या? समझ में आया? पक्का? आगे चलो, आगे देखिएगा। क्रिया के दो भेद हैं, कितने? क्रिया के कितने प्रकार है? पहला प्रकार है सकर्मक। क्या? दूसरा है अकर्मक। क्या? देखिएगा अब सकर्मक और अकर्मक क्या होती है, देखिएगा। कार्य का फल, कार्य का कर्ता से होकर, कार्य का फल कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया। याद रखो, क्या? कार्य का फल कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है, कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है तो वो होता है अकर्मक। क्रियाओं का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, जो काम कर रहा है उसी के ऊपर परिणाम होता है तो वो होता है अकर्मक। क्या? याद से ध्यान से देखिएगा, सकर्मक मतलब कार्य का फल कर्ता से होकर कर्म पर, किस पर? कर्ता से होकर कर्म पर। क्रियाओं का फल केवल खाली क्रिया पर, किस पे? कर्ता पर, तो वो अकर्मक। समझ में आया? अकर्मक सकर्मक, पक्का? कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? आगे देखिए, उसके बाद आता है हमारा उदाहरण। क्या? मैं अच्छा इंसान बनूंगा, कौन सी क्रिया है? कौन सी? अकर्मक कैसे होगा बेटा? सकर्मक है ना। मैं अच्छा क्या दिया है? कार्य का फल कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है, कर्म है ना ये। क्या ये? मैं कौन है? कर्ता। अच्छा कर्म पर पड़ रहा है ना, समझ में आ? समझ गए? मैं अच्छा इंसान, नौकर दिया जलाता है, नौकर कौन है? दिया पड़ रहा है ना कर्म पे ना, कर्ता द्वारा कर्म पर, कर्ता द्वारा ये सब करता है ना, कौन है ये? अब ये कौन है? कर्ता, बराबर है? तो ये कर्ता का कर्म इसमें दिखाई दे रहा है ना। क्या दिया? कार्य का फल कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता। अभी देखो नौकर, क्या ये कौन है और ये क्या है? समझ में आया? पक्का? अब देखो ये दो उदाहरण किसके हो गए? सकर्मक के। किसके? सकर्मक के। अब इसके बाद कौन सा है? अकर्मक। अब अकर्मक देखिएगा, हम आपको जाने देंगे, हम आपको जाने। अब पहचानने का सबसे आसान तरीका देखो, अकर्मक एंड में आता है, सकर्मक, समझ गए? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? फल केवल कर्ता, हम आपको जाने, कर्ता पर पड़ रहा है ना। कौन जा रहा है? जो करता है। हम पंडित माता दीन उधर से निकले, पंडित माता दीन इस पर पड़ा, कर्ता पर पड़ा ना सर, समझ गए? यहां पर कोई जो है उसके अच्छे गुण दिख रहे हैं, यहां पर नौकर दिया, कर्ता जब कर्ता से होकर कर्म पर पड़ता है, कर्ता से होकर यहां पर किस पर होता है? कर्ता पर ही होता है, किस पर? तो जब कर्ता पर कोई असर होता है तो वो होता है अकर्मक, कर्ता से होकर कर्म पर होता है तो सकर्मक। क्या समझ रहे हैं? अकर्मक सकर्मक जो एंड में आएगा
एंड में अंडरलाइन की गई है अकर्मक, और जो बीच में अंडरलाइन की गई है क्रिया पूछा गया है तो सकर्मक। समझ में आया? ये है आपकी क्रिया के दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार, सकर्मक अकर्मक। इसके बाद हम देखते हैं बच्चा, इसके बाद आपको दिया गया है, हाँ यहां पर ध्यान दीजिए, अकर्मक सकर्मक हमने देखा, क्या देखा हमने? क्रिया का प्रकार हमने अकर्मक। अब इसके बाद हम देखेंगे संयुक्त, क्या? संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, दो सरल वाक्यों को जोड़ना, दो सरल वाक्यों को जोड़ना, एक साथ लाना, एक साथ उपस्थित करना, और जब दोनों मिल जाते तब जाकर हमको उस वाक्य के अंदर का अर्थ पता, बराबर है, वो होती है कौन सी? संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया के अंदर भी क्या आता है? और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, क्योंकि, तो, क्या क्या आता है? और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, क्योंकि, तो, इसलिए। समझ में आया? ऐसे 10 से 11 समुच्च बोधक अव्यय आते, समझ गए? देखिएगा सही, जैसे राम अपने घर जाएगा और फिर खाना खाएगा, और क्या? समझ में आया? उसके बाद आता है प्रेरणार्थक, क्या? प्रेरणार्थक मतलब जिसमें मूल हमें पता होता है और प्रथम और द्वितीय करना होता है, प्रथम और द्वितीय हमें करना होता है, जैसे कि अब देना पता है, लेकिन इसके प्रथम और द्वितीय देना, दिलाना, दिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, करना, कराना, करवाना, देखना, दिखाना, दिखलाना, बैठना, बिठाना, बिठलाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, जाना का, समझ में आया? समझे? जिसका हमें आपको पेपर में दिया होगा प्रेरणार्थक करिए, उसमें आपको जो उसका मूल रूप है वो पता होगा और आपको प्रथम और द्वितीय समझ में आया, उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक। क्या? एक हम खुद करते हैं, एक हम किसी को करने के लिए कहते हैं, और एक किसी से करवाते हैं, बराबर है? एक खुद करने वाला, एक हाँ मरना मराना मरवाना है, हाँ मरना मारना, और समझ गए कि नहीं? वे आपके ऊपर है कि आप सेंटेंस को कितना, हाँ समझे? आगे देखिए, आगे क्या दिया है? सहायक, क्या? सहायक क्रिया क्या होती है बेटा? वाक्य के एंड में जो होती है मूल क्रिया, उसके पहले आती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, क्या? जो पूरे वाक्य को क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता करता है, सहायता से उस पढ़ने के बाद ही हमें पूरा सेंटेंस का अर्थ समझ में, समझ में आया? कुछ दुविधा है? जैसे कि राम खाना खाता है, खाता, तो खाता का सहायक क्या होगा? खाना। वो जाएगा, जाना। वो रोते बैठ गया, गया का जाना, समझ गए? दिया का देना, मिला का मिलना, रोए रो रहा है रोना, सहायक क्रिया, उसके अंदर छुपी हुई सहायक क्रिया को आपको पहचानना, सेंटेंस आपको दिया होगा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसके अंदर जो है वो आपको क्या करना है, ऐसा एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और उसके अंदर मूल क्रिया लिखनी है और सहायक, समझ में आ रहा है? ये है आपके कितने प्रकार, समझ गए? ये क्रिया के पांच प्रकार आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार? पांच प्रकार। कितने? पांच प्रकार। आज हम लोगों ने शब्द के भेद देखे, शब्द के भेद के पांच प्रकार देखे, जिसमें शब्द के दो भेद देखे हमने, विकारी शब्द जिसे उसके प्रकार, और अविकारी शब्द खाली हमने देखे उसके प्रकार हमने पढ़े। विकारी शब्द मतलब जिसे हम सव्य कहते हैं, क्या कहते हैं? सव्य में हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा मतलब नाम, बराबर है? सर्वनाम मतलब संज्ञा की जगह जिसका इस्तेमाल, और विशेषण मतलब जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, क्रिया मतलब जिससे हमें सवेरे से शाम तक जो कुछ भी हम लोग क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उसका पता चलना, मतलब क्रिया। संज्ञा में हमने देखा जातिवाचक,
व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ऐसे हमने संज्ञा के कितने प्रकार देखे? पांच प्रकार। कितने? पांच प्रकार। उसके बाद सर्वनाम के हमने कितने देखे? छह प्रकार, जिसमें हमने पहला देखा पुरुषवाचक। पुरुष का पुरुषवाचक मतलब जिसमें तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। समझ में आया? उसके बाद हमने निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ऐसे हमने कितने देखे सर्वनाम में? छह प्रकार देखे, बराबर है। उसके बाद हमने विशेषण देखा। क्या देखा? विशेषण में हमने क्या देखा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, जिसमें हमने निश्चित अनिश्चित देखा। संख्यावाचक में भी हमने देखा निश्चित अनिश्चित और सार्वनामी। विशेषण में हमने कितने देखे? टोटल चार। कितने? टोटल कितने देखे? चार देखे। उसके बाद क्रिया में हमने कितने देखे? पांच देखे। पहले देखे सकर्मक, अकर्मक, जिसको पहचानने का हमने तरीका भी देखा। सकर्मक मतलब कर्ता द्वारा कर्म पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। और अकर्मक में कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है। और संयुक्त मतलब दो सरल वाक्यों को, प्रेरणार्थक मतलब एक जो हम खुद करते हैं और एक करवाते हैं और एक किसी को करने। समझ में? और सहायक में देखा कि जो वाक्य होता है उसके मूल क्रिया के पहले जो आता है वो होता है सहायक क्रिया। समझ गए? ये हमने प्रकार देखे। उसी के साथ हमने अव्यय में, अविकारी में भी हमने क्या देखा? इसकी परिभाषा देखी कि अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। इसमें कितने प्रकार है? चार है, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। कितने प्रकार देखे हमने? चार प्रकार देखे, बराबर है। क्या क्या देखे हमने? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब जो ये अविकारी जो है वो भी क्या है? पहचानना है हमें। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। जब कोई सेंटेंस के अंदर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, किसकी? क्रिया की विशेषता। किसकी विशेषता बेटा? क्रिया की विशेषता। जैसे क्रिया की विशेषता बताते समय धीरे धीरे, ऊपर नीचे, हा आगे पीछे। जैसे कि राम धीरे धीरे चलता और धीरे धीरे के नीचे अगर, तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। और अगर ऐसा कहा मैं छत के ऊपर हूं तो विशेषता है ना, मैं कहा हूं? उसके बाद दिया है मैं मंदिर के निचली सीढ़ी पर खड़ा हूं, नीचे खड़ा हूं, तो क्रिया है ना ये। मैं आगे आऊंगा फिर तुम आना, आगे। उसके बाद दिया है मेरे पीछे कोई तो आ रहा पीछे। समझ गए? अगर हमें कोई वाक्य या शब्द सेंटेंस के अंदर क्रिया की विशेषता बताई तो वो होता है क्रिया विशेषण। में स्थान होता है, काल होता है, परिमाण होता है, ऐसे प्रकार होते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए अगर हमने ये भी समझ लिया तो हमें पता मैं कल गांव, कल के नीचे अंडरलाइन है तो क्रिया, क्योंकि गांव कब जाएगा, विशेषता क्या है? कल, बराबर है कि नहीं? हाँ, अभी अभी मैं उससे मिलकर आ रहा हूं, अभी अभी है कि नहीं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल तो कभी आता है। समझ में आया? ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। क्या बेटा? क्रिया विशेषण। समझ गए? उसके बाद आता है संबंध सूचक। क्या? वाक्य के अंदर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, दोनों के संबंध बताने के लिए जब किनका उपयोग किया जाता है बेटा? जब ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिससे हमें उस वाक्य के अंदर के किसका पता चले? संबंध का। तो संबंध में क्या आता है? के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के साथ, के द्वारा, के पास, के बगल में। समझ में? राम का घर श्याम के घर के पीछे है, मेरे बगल में कोई तो खड़ा है,
मेरे द्वारा उसको कल मिलना है के लिए के द्वारा। समझ गए, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जब हमें सेंटेंस के अंदर ये सब दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता बेटा? के बगल में, के पास, के द्वारा, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, के साथ, के पास, तो क्या होगा? संबंध सूचक। समझ गए, एकदम आसान है इसको पहचानना, कोई कठिन बात नहीं, कोई दुविधाजनक बात नहीं। इसके बाद हमारा आता है समुच्च बोधक। समुच्च का मतलब होता है दो सरल वाक्यों को एक साथ जोड़ना, एक साथ लाकर उन दो सरल वाक्यों को एक संपूर्ण वाक्य बनाना। क्या करना? संपूर्ण वाक्य बनाना। अब संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब संपूर्ण वाक्य बनाते समय अगर वाक्य के अंदर क्या क्या आया हुआ है, किंतु, परंतु, अथवा, केवल, हा तो, की, अगर, समझ गए, मगर, किंतु परंतु अथवा केवल तो की अगर मगर बल्कि क्या अथवा क्या आया हुआ अथवा क्या क्या आता है? हाँ, इसलिए क्या क्या आएगा? किंतु परंतु अथवा और भी है, क्या है? और क्या? और तथा, किंतु परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, क्योंकि, क्या? ये अगर सेंटेंस के अंदर आया है और दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है और तब जाकर हम जब उसे पढ़ते तो हमें पूरा अर्थ, तो वो होता है समुच्च बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? क्या क्या आता है? और तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, क्योंकि, तो, की अगर आया है तो क्या होगा? अगर मगर भी है उसमें, क्या? समझ गए, ये सब अगर आया है वाक्य के अंदर तो आप अव्यय है ना, अविकारी। क्या अविकारी का कौन सा प्रकार? समुच्च बोधक अव्यय। इस प्रकार आपको पहचान कर लिखना, आपको प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से अव्यय पहचान कर या अव्यय का उपयोग करके वाक्य लिखिए। दिए गए अव्ययों का उपयोग करके वाक्य तैयार, तो ये अव्यय दिए होंगे, के पीछे, मगर, अगर, के लिए, है कि नहीं? ऐसा और, तथा, किंतु, परंतु दिया। आपको सेंटेंस समझ में आया? कोई दुविधा, आपत्ति, समस्या? नहीं ना। अब हम आते हैं अव्यय में विस्मय आदि बोधक। क्या अब विस्मय आदि बोधक में क्या होता है बेटा? विस्मय आदि बोधक का मतलब होता है जिसमें हमें क्या किया जाता है बेटा, हमें हमारे अंदर की फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम जो हमारे चेहरे के हाव भाव शब्दों में प्रकट, उसे हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक। इसका मेन है कि वाक्य के बीच में या एंड में या शुरू में कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय आदि बोधक। कौन सा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विस्मय आदि बोधक। दिखाई दिया अंग्रेजी का, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, हिंदी में कहते हैं विस्मय आदि बोधक और मराठी में कहते हैं उद्गार वाचक। क्या? अब ध्यान दीजिएगा, अब जब हम कहते हैं अरे रे रे रे, बाप रे बाप, बराबर है, छी है कि नहीं? कहते ना छी कितनी गंदी बदबू, वाह क्या नजारा, बाप रे बाप इतना बड़ा, बराबर है। कहते ना जब हम हमारे भय को, आनंद को, किसको किसको, भय को, आनंद को, घृणा को, डर को, उत्साह को, है कि नहीं, प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग और सेंटेंस के अंदर विस्मय आदि बोधक लगा देते हैं तो वो क्या होता है? अरे रे रे रे,
वाह बाप रे बाप रे बाप बराबर है बराबर है। उसके बाद छे बराबर है समझ में छे बोलते ना हम छी बोलते कि नहीं घृणा क्या प्रकट करते हम जब ऐसा कुछ हमारे वाक्यों के अंदर दिखाई देता है शाबाश क्या बराबर है अब क्या है ये विस्मय आदि बोधक अव्य समझ गए ये याद रखना है आपको ये शब्द दिए होंगे वाक्य आपको बनाने होंगे ऐसा प्रश्न आपको पूछा तो इसमें आपको तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत या आपत्ति होनी चाहिए ये प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। ग्रामर विभाग का सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है ग्रामर विभाग की कि अगर आपने उस पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया है सुना है तो आप ग्रामर के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है पक्का कोई आपत्ति है नहीं ना। तो ये आपके व्याकरण का जो हमने प्रकार देखा ये हमने देखे शब्द के दो भेद प्रकार देखे शब्द के दो प्रकार विकारी अविकारी सव्य और अव्य यहां के चार वहां के चार ऐसे हमने आठ शब्द के प्रकार देखे जो उनके उप प्रकार को भी हमने देखा पेपर में भी आपको पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। बच्चा देखिएगा जितना आप देखेंगे जितना आप सुनेंगे जितना आप समझेंगे उतना आप पेपर में लिख सकते हैं। बोर्ड का पेपर 3 घंटे में आराम से आपका पूर्ण होता है उसके लिए आपकी तैयारी और प्रयत्न और कोशिश बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपने अपने स्कूल के पेपर क्लासेस के पेपर या आपके पिछले साल के पेपर भी किए हैं 4 से 5 भी तो भी आपकी पढ़ाई अच्छी है लेकिन उसके लिए आपको लिखने की बहुत अच्छी कोशिश करनी है क्योंकि 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट तब होगा जब आपने उससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है और क्वेश्चन तो कोई भी आपको छोड़ने नहीं है। समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस होते हैं पहला होता है गद्य दूसरा होता है पद्य तीसरा होता है अपठित चौथा आता है व्याकरण पांचवा आता है उपयोजित लेखन ये सारे के सारे पांचों प्रश्न आपको क्या करने हैं अटेम्प्ट करने हैं कंप्लीट पूरे के पूरे लिखने हैं बिना लिखे आपको आपकी क्लास कक्षा से बाहर नहीं आना है 3 घंटा पूरा अच्छे से लिखना है और जो बच्चा ये बात ध्यान रखकर करेगा वो बच्चा हिंदी मराठी इंग्लिश भाषा के पेपर में कभी भी फेल नहीं होगा ये आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हमारा तब हम आगे देखेंगे संधि या तो फिर काल। ठीक है ऐसे देखते चलेंगे जिससे आपका कम समय में सब कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है चलेगा कोई आपत्ति पक्का यहीं रुके धन्यवाद।